अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हियर योर लैब इंस्ट्रक्टर इंजीनियर रबिया सिद्दीक। टुडे योर एक्सपेरिमेंट इज एक्सपेरिमेंट 14 टू अंडरस्टैंड द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ इरेगुलर शेप बॉडी सेगमेंट। आप लोगों ने बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करना है बॉडी सेगमेंट्स का, जैसे ट्रंक, हेड, फुट वगैरह। जैसे आप लोगों ने पहले दो लैब्स की थी, मैंने आप लोगों को करवाई थी वो रिएक्शन बोर्ड वाली, ठीक है, और सेगमेंटल मेथड वाली। लैब आउटलाइन इज लैब ऑब्जेक्टिव एंड द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। लैब ऑब्जेक्टिव इज द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। व्हाट इज द First of all, I tell about the little bit introduction. All life forms on earth, including humans, are constantly subjected to the universal force of gravitation and thus to forces from within and surrounding the body. वो कहते हैं जितनी भी लाइफ है ज़मीन पर, including the human, जो भी हैं पर, ठीक है, जानदार, वो हर किसी पर कोई ना कोई force of gravity act कर रही है। Through the study of interaction of these forces and their effect, द फॉर्म, फंक्शन एंड मोशन। वो कहते हैं द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन, जो फोर्सेज की वजह से इफेक्ट हो रहा है, फंक्शन एंड द मोशन ऑफ आवर बॉडीज कैन बी एग्जामिन एंड द रिजल्टिंग नॉलेज अप्लाइड टू प्रमोट द क्वालिटी ऑफ लाइफ अंडर द ग्रेविटी एंड अदर लॉज एंड कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। ह्यूमन मूवमेंट इज अचीव थ्रू अ कम्प्लेक्स एंड हाईली कोऑर्डिनेटेड मैकेनिकल इंट्रैक्शन बिटवीन बोन्स, मसल्स, लाइमेंट्स एंड जॉइंट विद इन द मस्कुलेटर सिस्टम। वो कहते हैं अंडर ग्रेविटी की वजह से जो दूसरे लोड्स हो रहे होते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जाता है नर्वस सिस्टम से, जो इंसान की मूवमेंट होती है, थ्रू अ कम्प्लेक्स एंड हाईली कोऑर्डिनेटेड मैकेनिकल इंट्रैक्शन। ह्यूमन मोटर एक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय द रिस्पॉन्स ऑफ द सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल स्टिमुलाई। वो कहते हैं ह्यूमन मोटर जो एक्टिविटी होती है ना, उसको हम डिटरमिन करते हैं रिस्पॉन्स ऑफ द सब्जेक्ट, जो मीन्स कि हम लोग की चेंजिंग हो रही थी एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से। द मोटर रिस्पॉन्स हैज़ अ डेफिनेट पैटर्न विच कैन बी एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परल, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स फैक्टर्स, ठीक है, जो जो अमल कर रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको उसमें गेट एनालिसिस में बताया था, ठीक है। टेम्परल फैक्टर्स आर दोज रिलेटेड टू टाइम और द नंबर ऑफ मूवमेंट पर यूनिट टाइम, जो हम लोग रियल टाइम वक्त के साथ साथ मूवमेंट कर रहे होते हैं, द वेरिएबिलिटी ऑफ सक्सेसिव ड्यूरेशन ऑफ मोशन एंड द टेम्परल पैटर्न। वो कहते हैं जो वेरिएशन हो रही होती है ड्यूरेशन में। The temporal pattern of each movement consists of two or more phases. The relative duration of these phases and their interrelationships are indicative characteristics of the movement under the consideration. In spite of individual differences between the particular subjects, there are many characteristics which are common to all the normal human beings. वो कहते हैं individual difference होता है between the particular subject, जिसमें there are the many characteristics which are common to all the normal human beings. Thus the lower extremities are longer and heavier than the upper. Like जैसे lower extremities का मतलब है आप लोग की leg, thigh, जाहिर सी बात है वो longer है बनिस्बत आप लोग की upper arm के नस्बत, ठीक है, जिसमें हम लोग के पास बाजू होता है। The upper arm is larger than the forearm. जाहिर सी बात है upper arm larger हो जाती है forearm से। The thigh is larger than the shank, जो आपकी गर्दन वाला पार्ट है, and the other similar relationships. The kinetic analysis is concerned with the influence of different forces and movement acting on the body or a body segment during the performance of the given activity. प्रीवियस जो काइनेटिक का लफ्ज आया, ठीक है, वो काइनेटिक एनालिसिस वो कहते हैं कंसर्न करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट फोर्सेज जो एक्ट कर रही हैं और मूवमेंट जिसकी वजह से एक्ट कर रही है बॉडी। टू डिटरमिन दिस फोर्सेज एंड मूवमेंट्स एक्यूरेट डाटा ऑन द मास, लोकेशन ऑफ मास एंड द मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सब्जेक्ट बॉडी सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड। वो कहते हैं फोर्स को मेजर करने के लिए हमें वेट उसका चाहिए, जिस जगह पर लोकेशन है उसकी, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अ प्रिसाइज नॉलेज ऑफ दिस बॉडी सेगमेंट पैरामीटर्स हैज मैनी एप्लीकेशन such as in the design of work activities or in the improvement of athletic performance. वो कहते हैं हम लोग को इसकी नॉलेज के लिए प्रिसाइज हमें बॉडी सेगमेंट्स की इसकी काफ़ी अप्लीकेशन है, डिज़ाइन ऑफ द वर्क और इम्प्रूवमेंट ऑफ एथलेटिक परफॉर्मेंस। इट हैज़ ए पर्टिकुलर वैल्यू इन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्थोपेडिक एंड द प्रोस्थेटिक प्रॉब्लम। इट वुड रिजल्ट इन अ बेटर डिज़ाइन ऑफ ब्रेसिस एंड द प्रोस्थेटिक डिवाइसिस आर मोर रिलायबल मैथड फॉर देयर एडजस्टमेंट। From this data, it would also be possible to develop the more precise and effective procedures for the evaluation of braces and the artificial limbs. वो कहते हैं इस डाटा के लिए ये पॉसिबल होता है कि हम लोग डिवेलप करें प्रिसाइज और इफेक्टिव प्रोसीजर इवेल्यूएशन और द आर्टिफिशियल लिम्स के लिए। दिस प्रोसीजर्स वुड रिप्लेस द यूज ऑफ सब्जेक्टिव रेटिंग ऑन परफॉर्मेंस बाय एन एप्यूट और द डिसेबल पर्सन। The information on body segments parameter obtained by simple clinical method can be very useful in general medical practice. It would provide a tool for the determination of body segment growth and decay in normal and the abnormal condition, body segment density change is normal and the pathological cases, body mass distribution asymmetry,
मोर प्रिसाइज बॉडी कंपोजिशन, फैट्स, बोन्स एंड मसल्स, वो कहते हैं डिपेंड करता है जिस तरह से बॉडी के सेगमेंट ग्रोथ कर रहे हैं उसमें चेंजेस आ रही हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है और उसकी कंपोजिशन। फर्स्ट इज द इमर्जेंट मेथड। हार्लस इन जर्मनी फर्स्ट यूज इन इमर्जेंट मेथड इन 1858। ही पब्लिश्ड अ टेक्स्ट बुक ऑन द प्लास्टिक एनाटॉमी एंड इन 1860 आर ट्रीसाइड द स्टैटिक मूवमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी लिम्स। ये वो साइंटिस्ट है जिसने 1815 में बुक बनाई थी, ठीक है। इन इज इन्वेस्टिगेशन उसने डिस्कवर किया था हार्लस डिसेक्ट 5 मेल कैडेवर एंड 3 फीमेल। उसने 5 मेल और 3 फीमेल का वो किया था, इनके उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की थी। फॉर हिज फाइनल रिपोर्ट हाउएवर ही यूज्ड ओनली द डाटा गैदर्ड ओन द 2 ऑफ द सब्जेक्ट। उसने रिपोर्ट में डाटा दिया था 2 लोगों की, ठीक है। उसने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया। अब क्या हो रहा है इस मेथड में, द इमर्जेंट मेथड इन्वॉल्व डिटर्मिनिंग हाउ मच वाटर इज डिस्प्लेड बाई द सबमर्ज सेगमेंट, के वाटर किस तरह से आप लोग के लैब का डाटा है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। प्रीवियस रिसर्चेज इंक्लूडिंग द हार्लस हैव रिलाइड ऑन द मेजरमेंट of the overflow of a water tank to find the volume of water displayed. Harless started his study with the determination of the absolute and the relative length of the body and its segment is absolute or relative length le thi body ki. The absolute length were measured in centimeter. For determining the relative length, Harless used the standard unit. The standard hand measurement was equal to the distance from the wrist joint टू द टिप ऑफ द मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड, ठीक है। उसने स्टैंडर्ड हैंड मेजरमेंट के लिए उसने रिस्ट जॉइंट की टिप ऑफ द मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड का उसने कंपैरिजन किया। आप लोग देख रहे हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव की, उसने हेड एंड नेक का, अपर टैंक, लोअर फोर आर्म, हेड, थाई, शैंक, फुट एंड द होल बॉडी उसने बताया। वह हेड लेंथ से, ग्रेविटेशन से कितना उसका उसने लिया हुआ, ठीक है, कोफिशिएंट बॉडी सेगमेंट्स। देन फॉर ऑब्टेनिंग द एब्सोल्यूट वेट ऑफ द बॉडी सेगमेंट हार्लेस यूज द ग्राम। उसने एब्सोल्यूट के लिए ग्राम का यूनिट यूज़ किया था। एज अ यूनिट ऑफ रिलेटिव वेट ही फर्स्ट डिसाइडेड टू यूज द वेट ऑफ द राइट हैंड। जैसे उसने प्रीवियस में बताया उसने वेट किया था राइट हैंड का, बट लेटर इस्टेब्लिश्ड एज हिज यूनिट द 1000 पार्ट ऑफ द टोटल बॉडी वेट। इन अ वेरी केयरफुल वे हार्लेस डिटर्मिन द वॉल्यूम एंड द डेंसिटी ऑफ द बॉडी सेगमेंट्स। हेयर उसने क्या किया, एब्सोल्यूट वेट लिया इन ग्राम्स में, डेंसिटी ऑफ द बॉडी सेगमेंट्स। डेंसिटी ऑफ द बॉडी सेगमेंट्स इंक्लूड द आफ्टर हार्लेस अपर आर्म, फोर आर्म, हैंड और थाई की उसने बताई हुआ डेंसिटी के में। बॉडी मास की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से जैसे आप लोग इस फिगर में गौर कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट मैसेज के हवाले से उसने कंपेरिजन शो किया हुआ है। डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम अगर आप लोग ने करना हो तो उसके दो मैथड हैं। द टू मैथड्स बींग इन्वेस्टिगेटेड बाई न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टू डिटर्मिन द सेगमेंट वॉल्यूम्स आर इमर्जन एंड द मोनो एंड द स्टीरो फोटोग्रामेट्री। पहला मेथड है आप लोग का इमर्जन मेथड। द बायोमैकेनिक्स ग्रुप्स एंड न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी यूजेस द वाटर डिस्प्लेसमेंट एज द बेसिक फॉर सेगमेंट वॉल्यूम डिटर्मिनेशन। हाउएवर प्रोसीजर डिफर फ्रॉम दैट यूज्ड बाय द प्रीवियस रिसर्चेस इन दैट द सब्जेक्ट डज नॉट सबमर्ज हिज सेगमेंट इनटू अ फुल टैंक ऑफ वाटर एंड हैव द ओवरफ्लो मेजर्ड। Instead, the segment is placed initially in an empty tank which is subsequently filled with the water. वो कहते उसने किया था कि place करता था initially empty tank को filled with the water. In this way, the subject is more comfortable during the test. And the segment remains, जो body है वो remains stationary right to ensure the proper result. A variety of tanks for the various segment, for example, hand, arm, foot and leg has been fabricated. It is desirable that the tank into which the segment is to be merged be adequate for the extreme limits which may be encountered and yet not so large as to impair the accuracy of the experiment. यह जैसे आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, बॉडी लेटी उसने टैंक पे अपना बाजू दिया हुआ है, ठीक है, पानी उसने फिल किया हुआ है क्योंकि हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं इरेगुलर बॉडी शेप सेगमेंट्स का। जो जो सेगमेंट है हैंड, थाई, फुट, द आर्म इज सस्पेंडेड इन टू द लोअर टैंक, जैसे मैंने आपको पिक्चर में बताया, एंड सेट इन अ फिक्स पोजिशन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट। द टैंक इज देन फिल्ड टू सक्सेसिव प्री डिटर्मिंड लेवल एज द 2 सेंटीमीटर इंक्रीमेंट फॉर द सप्लाई टैंक ऑफ द वाटर अबव। At each level, readings are taken of the height of the water in each tank using the meter stick shown. The volume occupied by water between any two level is found by taking the difference between the height of the water and applying the suitable area factors. Thus, to find the volume of the forearm, the displacement volume is found for the wrist to elbow, ठीक है, in the lower tank and between the corresponding level in the upper tank. The difference between the two volume is the desired forearm volume. To find the center of volume, obtain the volume is the same manner of constructive 2 centimeter section of the limb. Assuming करते हैं कि center of each section as 1 centimeter for each face, sum the products of section volume and section moment arm about the desired axis of rotation.
द नेट वॉल्यूम सेंटर फॉर द बॉडी सेगमेंट इज देन दिस सम डिवाइडेड बाई द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेगमेंट। जो नेट वॉल्यूम होता है उसको डिवाइड करने से जो मेरा टोटल वॉल्यूम होता है सेगमेंट का। इन अ सिमिलर फैशन यूजिंग द अप्रोप्रिएट कम्बिनेशन ऑफ द टैंक्स वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अदर सेगमेंट हैंड फुट एंड द लेग। द यूज ऑफ एन इमर्जेंट टैंक टू फाइंड द हैंड वॉल्यूम इज शोन इन। जैसे आप लोग फिंगर का भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। द डाटा ऑन वॉल्यूम एंड द वॉल्यूम सेंटर्स कैन ऑल्सो बी यूज अलोंग विद द डेंसिटी एज अ चेक अगेंस्ट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द मैस एंड